ऑल राइट गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हम अपने इंडियन रेलवे ट्रेन सिमुलेटर 2022 गेम के बारे में। इस गेम की अपडेट आ चुकी है अपने प्ले स्टोर पर, और आप लोगों में से कमेंट्स में बताना कौन कौन भाई के पास इस गेम की अपडेट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस अपनी इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और कल की कमेंट्री बॉक्स में भी मैंने इसकी आपको पिक्चर शेयर कराई थी, और यहाँ पर मैं आपके लिए फाइनली ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। गेम में क्या अपडेट आई है वो आपको दिखाने वाला हूँ, और इस गेम का आपको मैं गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले गेम को सर्च कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये गेम सर्च कर लिया, और यहाँ पर थोड़ी सी इसमें लोडिंग की प्रॉब्लम हो रही है गाइस, मतलब कि क्या बोलते हैं, मेरे में जो है नेट स्लो चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक गेम सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अपडेट। तो फाइनली मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और अपडेट में आपको इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसका जो कंट्रोल है वो नया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल क्रॉसिंग ऐड, ठीक है, और 360 डिग्री का कैमरा एंगल इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। ठीक है, पोस्ट 2 और मतलब कि जूम ऐड करा है, वेब 7 आपको इस गेम में देखने को मिल रहा है गाइस, और इसमें बग्स वगैरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है। ठीक है, और अल्ट्रा ग्राफिक्स में गेम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर एक चीज़ और दे दी गई है कंपनी वालों ने, यहाँ पर नोट आप देख सकते हो कि 1 GB में आप 1 GB से 3 GB रैम में लो डिवाइस पर ही खेलें। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है 4 GB से लेके और 12 GB रैम तक, ठीक है, मीडियम और अल्ट्रा पर खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको यहाँ पर अपडेट के बारे में बता दिया। 12 सितंबर को मेरे पास अपडेट आ गई है। ठीक है, वो तो गेम जब रिलीज हुआ था उसकी तारीख है भाई, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, और 2.6 का इसका वर्जन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अपने इसको अपडेट कर लेते हैं और उसका गेम प्ले देखते हैं। ठीक है, और मैं आगे आपको इस गेम के बारे में बताने वाला हूँ क्या क्या और चीज़ें इस गेम में आने वाली हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पर हमने अपना एक गेम ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं, कैमरा एंगल इसके देख लेते हैं भाई। इसके कैमरा एंगल आपको साइड व्यू की और कैब का देखने को मिल रहा है, और फाइनली यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई यहाँ पर ये मैंने स्टार्ट भी कर लिया, और आपको साउंड वगैरह बताना कैसी आ रही है कमेंट्स में मेरे को। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी साउंड आ रही होगी मेरे को कमेंट्स में बता देना। यहाँ पर मैंने यार, चलिए यार, ये दोबारा से मेरे लोकोमोटिव बंद हो गया था, चलिए फिर स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर भाई इसमें जो है भाई आउटर का कैमरा एंगल कहाँ गया भाई, इसमें आउटर का कैमरा एंगल नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2-3 कैमरा एंगल ही दिए गए हैं कंपनी ने, यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस लैगिंग भी हो रहा है गेम, और यहाँ पर आपको ये आदमी भी खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर मतलब कि क्या बोलते हैं, जो इसका कैमरा एंगल है वो दिया नहीं गया है। ठीक है, ये इसमें कंट्रोल तो नया कर दिया है, पर कैमरा एंगल इसमें जो ऑब्जेक्ट जो कैमरा होता है, आउटर वाला जो कैमरा होता है, जो कि 360 डिग्री वाला जो कैमरा है, वो उसमें शायद पता नहीं है आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पर आप देख भी सकते हो भाई, हॉर्न बताना आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। तो भाई मेरे को तो यार ये अपडेट कुछ अलग सा लग रहा है भाई, आपके में ये गेम बताना कैसा प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपको साउंड वगैरह तो आ रही होगी इसकी, तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बता देना इसके लिए। इसमें 2 ही कैमरा एंगल दिए गए हैं भाई, 3 कैमरा एंगल दिए गए हैं साइड व्यू वाले, और भाई यहाँ पर ये वाले कैमरा एंगल दिए गए हैं, और बाकी का कुछ दिया ही नहीं गया है भाई, नॉर्मल सा ही इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, इसमें जो अपडेट है वो आ रही है। तो यहाँ पर भाई इसकी जो है अपडेट आपके पास भी आगे होगी, आप भी मेरे को कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा ही गेम प्ले मैंने किया है, और ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा कमेंट्स में मेरे को बता देना। मैं बोलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। मिलते अगली वीडियो में गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।